हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं गाजर मूली हरी मिर्च का अचार। उसके लिए यहाँ पे मैंने गाजर और मूली को इस तरह से कुछ कट कर लिया है, अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया था। उसका अचार बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे देखिए गाइस, मैंने हरी मिर्च ले ली है, उनको मैंने एक में से दो लंबा लंबा कट कर लिया है। और अब हम इन सारे वेजिटेबल्स को बॉईल होने के लिए रखेंगे। यहाँ पे मैंने एक भगोने में देखिए बॉईल होने के लिए रख दिया है इन्हें। हरी मिर्च को हम बॉईल नहीं करेंगे, सिर्फ हम गाजर और मूली को ही बॉईल करेंगे। हम गाइस मूली और गाजरों को जब तक बॉईल करेंगे तब तक थोड़ी सी ये थोड़ी नरम हो जाए। और ये देखिए गाइस, मैंने सरसों का तेल को गरम कर लेना है, इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। अगर आप गाइस सरसों के तेल को ही डालते हैं अचार में, और हम अगर सरसों के तेल को गरम करके ही बनाएंगे डालेंगे अचार में तो अच्छा रहेगा, वरना हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। ये देखिए गाइस, हमारी गाजर मूली कितनी अच्छी तरह से बॉइल हो गई हो रही है। और यहाँ पे हमारा तेल भी गर्म हो रहा है। तेल गर्म करके डालेंगे तभी बेटर रहता है। उसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं। पहले हमें ना दरदरा पीसना है। यहाँ पे मैंने सौंफ और धनिया ले लिया है साबुत, और इनको मिक्स कर लिया था। और यहाँ पे ये मैंने हल्दी ले ली है, राई, सॉल्ट टू टेस्ट। और यहाँ पे मैंने कुछ ये सूखी लाल मिर्च ले ली हैं, ये कश्मीरी लाल मिर्च हैं, इनसे बिल्कुल भी तीखापन नहीं आता है, कलर बहुत अच्छा आता है। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमें इन्हें बिल्कुल बारीक ग्राइंड नहीं करना है, थोड़ा दरदरा ही करना है ग्राइंड मिर्च को और इन मसालों को। ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमारी गाजर और मूली भी बॉईल हो गई हैं। अब हम इन्हें एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि इनका सारा पानी नीचे उड़ जाए। ये देखिए गाइस, मैंने इन्हें एक स्ट्रेनर में निकाल लिया है। उसके बाद देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा तेल भी अच्छी तरह से पक गया है। और हम तेल को पहले ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ही हमें तेल को अचार के अंदर डालना होता है। तेल हम इसलिए गर्म करते हैं गाइस ताकि इसके अंदर का सारा कच्चापन निकल जाए, वरना तो हमारा अचार ख़राब हो जाता है अगर हम अचार को बिना पकाए ही डालते हैं, अचार के अंदर तेल को बिना पकाए ही डालते हैं तो। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए, मैंने मसाला भी थोड़ा दरदरा पीस लिया है, जो मैंने वो दिखाए थे आपको मसाले। अब हम अपने अचार को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, थोड़ा दरदरा ही पीसना है, मैंने बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है। चलिए अब हम अपना अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने कोंडे के अंदर गाजर और मूली को ऐड कर लिया है। ये देखिए, थोड़ी सॉफ्ट हो गई है ये। इसके अंदर हम हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। उसके बाद ये जो ऑयल लिया था हमने, इसको ऑयल को ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तीनों चीज़ों को। इन्हें मिक्स करने के बाद इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। वही जो हमने
मसाला को पीस के रखे थे दरदरा, इसको भी हम ऐड कर देंगे इसके अंदर और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अचार खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। और ये देखिए अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स हम इसके लिए, इसको स्टोर करने के लिए कांच का जार लेते हैं। कांच के जार में ही अच्छी तरह से होता है। अगर आपके पास कांच का जार नहीं होता तो जो क्रॉकरी में आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। इस तरह से अच्छी तरह से लगा लेंगे सब पे मसाला। बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में ये। उसके बाद हम इसको एक जार में स्टोर करेंगे। जैसे जैसे फ्रेंड्स हम इसके अंदर अचार ऐड करेंगे, प्रेस भी करते जाएंगे साथ साथ, जिससे इसके अंदर एयर ना ही जाए बिल्कुल भी, वरना तो ये ख़राब हो जाता है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखिए कितना बढ़िया हो गया है अचार हमारा, 1 महीने बनकर इजीली रेडी हो जाएगा।